हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम लखन पाल। कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे ही होंगे। स्टूराइड पे हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 का एक परिचय, जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपराध के चरण के विषय में। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे चोरी यानी थेफ्ट के विषय में। तो आज हम जानेंगे चोरी क्या है, चोरी के अपराध में दंड का क्या प्रावधान है, चोरी के एसेंशियल एलिमेंट यानी चोरी के आवश्यक तत्व क्या हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378, जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रचलन में रहने वाली धारा है, यानी इससे संबंधित अपराध ज्यादा से ज्यादा हमें समाज में देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 को, उसकी परिभाषा यानी बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझते हैं। यह धारा कहती है, जो कोई व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति चोरी का अपराध तब कारित करता है जब वह बेईमानी पूर्ण आशय रखते हुए किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी कोई चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी सम्मति के बिना वहां से हटाता है, यानी वहां से दूर करता है। तो वो क्या करता है? चोरी का अपराध करता है। तो समझने की कोशिश करते हैं चोरी के आवश्यक तत्व यानी चोरी के एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। चोरी के आवश्यक तत्व चार हैं, जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति, कब्जाधारी की सम्मति के बिना बेईमानी पूर्ण आशय रखते हुए संपत्ति को कब्जेधारी के कब्जे से हटाया जाना। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस सेक्शन में जो बात कही गई है कब्जाधारी की सम्मति के बिना, यहां पे ऑनर की बात नहीं करी जा रही है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, यहां पे ऑनर की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है कब्जाधारी की सम्मति के बिना, यानी उस प्रॉपर्टी पे किसी भी व्यक्ति का उस समय रियल पोजीशन हो, इस उस समय किसी भी व्यक्ति का पोजीशन हो, कब्जा हो, उसके अगर पोजीशन से उस प्रॉपर्टी को हटाया जाता है उसके विदाउट कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के, तो मान लिया जाता है कि वो चोरी है। या ये जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का उस व्यक्ति को मालिक ही होना चाहिए या उसका स्वामी होना चाहिए तभी माना जाएगा चोरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चार चीजें जो आवश्यक हैं, कब्जेधारी की सम्मति के बिना चल संपत्ति होनी चाहिए, बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए और संपत्ति को कब्जेधारी के कब्जे से हटाया जाना चाहिए, यानी कि वहां से मूव किया जाना चाहिए। तो ये चार आवश्यक तत्व हैं चोरी के अपराध के। स्पष्टीकरण वन में जंगम संपत्ति को समझाने का प्रयास किया गया है। यह स्पष्टीकरण वन कहता है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है तो वह जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। यानी यह स्पष्टीकरण कहता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे कि पेड़, घर, तो ये ऐसी चीजें हैं जो भूबद्ध रहती हैं, तब तक इनको चोरी नहीं की जा सकती, इनको मतलब चुराया नहीं जा सकता, क्योंकि चुराने के लिए तो आवश्यक होता है कि उस प्रॉपर्टी को वहां से हटाना या वहां से दूर कर देना। तो यहां पे जंगम संपत्ति तब तक वो नहीं है जब तक, यानी चल संपत्ति तब तक नहीं है जब तक वो जमीन से जुड़ी हुई है या भूमि से जुड़ी हुई है। जैसे मकान, घर जो होता है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जंगम संपत्ति में नहीं आता है। उसी प्रकार पेड़ जो कि जमीन पे ही खड़ा हुआ है, जब तक कि उसको काट नहीं दिया जाएगा, यानी जब तक कि उसको वहां से पृथक नहीं कर दिया जाएगा, हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक वह चोरी का विषय नहीं हो सकता। चोरी का विषय तभी हो सकता है जब उसको काट दिया जाए, पेड़ को काट दिया जाए, या जैसे फसल खड़ी है, फसल को काट दिया जाए, तो वह जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति में आ जाएंगे। अभी वो भूबद्ध हैं तो वो जंगम संपत्ति नहीं कहलाते हैं और वो स्थावर संपत्ति कहलाते हैं।
तो स्थावर संपत्ति की तो चोरी नहीं हो सकती, चोरी हो सकती है सिर्फ जंगम यानी चल संपत्ति की ही। तो उसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है स्पष्टीकरण वन में। इसको हम देखते हैं, वह संपत्ति जिसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सके उसे चल संपत्ति कहते हैं। जब तक कोई वस्तु भूमि से जुड़ी है तब तक वह चोरी का विषय नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही उस संपत्ति को भूमि से अलग किया जाएगा, पृथक किया जाएगा, तो वह चोरी होने का विषय बन जाएगी। इसका उदाहरण देखते हैं, रमेश मुकेश की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय यानी डिसहोनेस्ट इंटेंशन रखते हुए मुकेश के खेत में खड़े पेड़ को काटता है, फिर रमेश पेड़ को ले जाए या न ले जाए, चाहे पेड़ वहीं छोड़ दे, केवल काट करके पेड़ को वहीं डाल दे, तो यहां क्या करता है, रमेश चोरी करता है, क्योंकि उसने भूबद्ध संपत्ति को क्या किया है, पृथक किया है, वहां से काटा है, यानी काटा है यानी कि उसको वहां से हटाया है। स्पष्टीकरण दो कहता है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। यदि पृथक्करण करते समय हटाना कारित होता है तो वह चोरी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं स्पष्टीकरण टू को, रमेश मुकेश की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए मुकेश के घर में स्थित मेज से उसकी अंगूठी को हटाता है। यहां रमेश क्या कर रहा है, रमेश चोरी कर रहा है, क्योंकि रमेश ने मुकेश की सम्मति नहीं ली, यानी मुकेश की विदाउट कंसेंट बेईमानीपूर्ण आशय यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखते हुए मुकेश के घर में स्थित मेज पर अंगूठी यानी चल संपत्ति को वहां से क्या करता है, हटाता है। वहीं पे कहीं हटाए, ऐसी जगह कहीं छुपा दे जिसमें कि मुकेश को आसानी से वो चीज वहां न मिल सके, यानी अंगूठी मुकेश को वहां आसानी से न दिख सके, तो ये क्या होगा, रमेश ने चोरी की है। स्पष्टीकरण थ्री को समझते हैं। स्पष्टीकरण थ्री में किसी चीज को हटाना कारित करने की बात कही गई, तो कह सकते हैं कि यदि किसी कब्जाधारी ने जंगम संपत्ति की सुरक्षा यानी चल संपत्ति की सुरक्षा है तो कोई बाधा लगाई है, यदि कोई व्यक्ति कब्जाधारी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उस बाधा को हटाता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने संपत्ति को हटाया है। कैसे, उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, रमेश मुकेश के घर में रखे हुए रुपयों को लेने के लिए घर का दरवाजा तोड़ता है, यानी घर में जो उसकी जंगम संपत्ति को बनाए रखने के लिए मुकेश ने अपने घर पे जो ताला लगाया था, जो बाधा लगाई थी, उसको क्या करता है, रमेश तोड़ता है। तो यहां पे रमेश क्या करता है, रुपयों को हटाता है, यानी वो चोरी करता है। अब स्पष्टीकरण फोर को समझते हैं। स्पष्टीकरण फोर कहता है, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, यहां बात आ गई जीव जंतु की, उस जीव जंतु को हटाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे कि रमेश खजाना लादकर ले जाते हुए मुकेश के घोड़े को एक निश्चित दिशा में मोड़ देता है, घोड़ा उस दिशा में आगे चला जाता है, रमेश ने खजाना को हटाना कारित किया है। मान लीजिए कि कोई बैलगाड़ी में कोई संपत्ति रखी हुई है या कोई खजाना लदा हुआ है और वह बैल उस गाड़ी को खींच करके लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए उन बैलों को दूसरे रास्ते की ओर घुमा देता है, मतलब दूसरे रास्ते की ओर मोड़ देता है ताकि ये बैल गाड़ी इस तरफ मुड़ जाए और मैं आगे जा करके इसको चोरी कर लूं या मैं जहां चाहूं वहां इसको लिए चला जाऊं। तो यहां पे जैसे ही उस व्यक्ति ने बैलगाड़ी को दूसरे रास्ते की ओर मोड़ा, वहां उधर उस ओर मुंह भर किया, तो यहां पे जीव जंतु का हटाना कारित मतलब उसको मूव करना कारित हो जाएगा और ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी की चोरी की है, यानी उस संपत्ति की चोरी की है जो भी संपत्ति उस बैलगाड़ी पे रखी हुई थी। अब स्पष्टीकरण पांच को समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है दी जाती है। अब वो सम्मति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अभिव्यक्त यानी जो डायरेक्ट रूप से दी जाती है कि हाँ आपको ये करने की सहमति मतलब ये करने की अनुमति है या मेरी ऐसी सहमति है,
और दूसरी होती विवक्षित। विवक्षित सम्मति वह होती है जो एक सम्मति देने के बाद दूसरी ऑटोमेटिक मिल जाती है। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और आपने उसको ये इम्प्लाइड कंसेंट दे रखी है, विवक्षित सम्मति दे रखी है कि वो कभी भी आकर के जब उसको ज़रूरत पड़े तो आपके घर से बाइक ले सकता है और हेलमेट ले सकता है या आपकी साइकिल ले सकता है, लेकर के जा सकता है, या फिर और भी चीज़ें जैसे आपका मोबाइल फोन्स लेकर के यूज कर सकता है, आपका लैपटॉप यूज कर सकता है या लेकर के अपने घर जा सकता है, तो ये आपने उसको इम्प्लाइड कंसेंट दी है तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा कि उसने चोरी की है अगर वो ले जाता है उस प्रॉपर्टी को जिसकी आपने इम्प्लाइड कंसेंट उसको दे रखी है और उसको ले जाने के बाद वो व्यक्ति बेशक बेईमानीपूर्ण आशय उसमें उसका हो लेकिन वो ये नहीं माना जाएगा कि उसने चोरी की है, तब वो अपराध दूसरा हो जाएगा। अगर ले जाकर के फिर वो लौटाता नहीं है और बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए उस संपत्ति को बेच देता है तो वो ऑफेंस वहां पे दूसरा हो जाएगा। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मुकेश ने रमेश को परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने घर का पुस्तकालय दे रखा है। रमेश पढ़ने के लिए पुस्तकालय से किताब ले जाता है और उसे बेच देता है। तो रमेश ने चोरी नहीं की, हालांकि उसने आपराधिक न्यास भंग कारित किया है क्योंकि यहाँ पे कंसेंट जो है वो इम्प्लाइड उसको मिली हुई थी कि वह किताब ले जा करके अपने घर ले जा सकता है या वहां बैठ करके पढ़ सकता है, उससे नोट्स बना सकता है, मतलब इससे जुड़ी कंसेंट तो उसको दे रखी थी मुकेश ने। तो यहाँ पे रमेश क्या करता है, रमेश चोरी नहीं करता है बल्कि आपराधिक न्यास भंग कारित करता है। तो अभी हम लोगों ने 5 स्पष्टीकरण के माध्यम से समझा कि चोरी करने के लिए क्या क्या आवश्यक है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चोरी आएगी। मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 जिसके अंतर्गत बिजली की चोरी करना दंडनीय नहीं है क्योंकि बिजली को प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। बिजली की चोरी के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में दंड का प्रावधान है जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 379 चोरी के दंड के लिए प्रावधान करती है। धारा 379 के अनुसार जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 साधारणतया चोरी के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान करती है लेकिन यही चोरी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में घुस करके किसी निवास स्थान में, किसी निर्माण में, किसी तंबू में या किसी जलयान में, किसी टेंट में वहां जाकर के चोरी करता है तो वहां 7 साल तक की सजा का प्रावधान धारा 380 में किया गया है। धारा 381 में कोई लिपिक, कोई सर्वेंट अपनी मालिक की कोई संपत्ति अपने नियोक्ता के रूप में करता है, यानी उसको वहां नियोजित किया गया है कि आप हमारे यहाँ सर्वेंट के रूप में काम करिए, और वो अगर अपनी मालिक की कोई प्रॉपर्टी चुराता है या कोई लिपिक अपने मालिक की प्रॉपर्टी कोई चुराता है तो वहां उसको 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 382 में कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहत पहुंचाने या उसे अवरोध करने की तैयारी करने के परिणाम स्वरूप जो है कोई चोरी करता है तो वहां पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब हम समझते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है। एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। मुकेश एक घड़ी साज है, यानी मुकेश एक घड़ी बनाने वाला है जो घड़ी बनाता है। रमेश अपनी घड़ी की मरम्मत करवाने के लिए यानी घड़ी को बनवाने के लिए अपनी घड़ी मुकेश को देता है। रमेश मुकेश की दुकान पर अगले दिन जाता है मुकेश को पैसे न देने पड़े, इसलिए रमेश मुकेश की नज़र बचाकर अपनी घड़ी उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। हालांकि रमेश ने अपनी ही घड़ी ली है पर उसने चोरी का अपराध कारित किया है क्योंकि उसने बेईमानीपूर्ण आशय से मुकेश के कब्जे से चल संपत्ति को वहां से हटाया है, अपनी जेब में डाला है। तो यहाँ पे चोरी के चारों एसेंशियल एलिमेंट जो है वो पूरे हो रहे हैं। कब्जाधारी कौन था? मुकेश। जंगम संपत्ति क्या थी? घड़ी। कब्जाधारी की सम्मति क्या? मुकेश से नजर बचाकर। बेईमानीपूर्ण आशय यानी पैसे न देने पड़े। हटाया जाना यानी जेब में वो रख लेता है। तो यहाँ पे चोरी के जो चारों एसेंशियल एलिमेंट हैं वो पूरे हो जाते हैं, इसलिए रमेश
चोरी करता है। तो आज हमने जाना चोरी क्या है, चोरी के अपराध में दंड का क्या प्रावधान है भारतीय दंड संहिता 1860 में, क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल, वो अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है। तो चोरी क्या है, चोरी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, चोरी करने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के माध्यम से आज जानी। और एक चीज और आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 जिसमें चोरी को परिभाषित किया गया है, उसमें प्रॉपर्टी की किसी भी कीमत को नहीं बताया गया है, यानी प्रॉपर्टी किसी भी कीमत की हो सकती है, चाहे बेशक किसी व्यक्ति को चोरी करने से कोई लाभ ना हो रहा हो तब भी उसे चोरी माना जाएगा। और दूसरी चीज ये, किसी प्रॉपर्टी को कितनी देर तक ऑफेंडर यानी चोर अपने पास रखता है, वो उसको थोड़ी देर के लिए भी अगर वहां से हटाता है प्रॉपर्टी को तो वो चोरी मान ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं आज आपको चोरी क्या है, चोरी के अपराध कारित करने में कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं और चोरी के अपराध में दंड क्या है, ये सब चीजें बताने में मैं आज सफल रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ लीगल हेल्प के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।